रिसेंटली और क्या सोचा हुआ बड़ा जिसके बारे में आप लो ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो? मैंने अभी कुछ दिन पहले सोचा था, मैंने ये सोचा था कि मेरे को एक घर लेना है नया, और मैंने ये सोचा था कि मेरे को एक स्टूडियो खरीदना है। ओके, वो हो गया। अरे अमेजिंग, ठीक है। तो आई एम जस्ट, थैंक यू, तो मैं आई एम जस्ट शिफ्टिंग टू माई हाउस एंड बाई द नेक्स्ट मंथ द स्टूडियो विल बी रेडी। तो ये मेरी बहुत बड़ी, बहुत बड़ा सपना था मेरा कि ये होगा ज़रूर, क्योंकि अब तक हमारी टीम सारी की सारी वर्क फ्रॉम होम है हमेशा से। ओके, ठीक है। तो पहली बार उनको बोला गया कि आ जाओ सब साथ में काम करेंगे हम, तो वो एक सपना ही था मेरे लिए कि कभी सोचा नहीं था कि यार अब आप ही तो आप अपनी नौकरी से आए हो छोड़ के, और अब आप सोच रहे हो कि यार लोगों को फुल टाइम आप हायर करोगे, एक बड़ी टीम होगी 14-15 लोगों की। तो वो जब वो सपने सच होने लगते हैं तो आपको ना ऐसा, तो ऑब्वियसली आपका अपने आप पर भी विश्वास और भगवान पर विश्वास बढ़ता है कि यार कि जो मांग रहे हो आप दे रहे हो, बस हम भी बस अपनी लगन से लगे रहे। तो ये सपना मेरा रिसेंट है जो मैंने अभी रिसेंटली अट्रैक्ट किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, 500 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुके हैं अलग अलग जोनर की। तो हम एक काम करते हैं, इनसे जोनर की इनकी फेवरेट बुक्स पूछते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे जोनर होते हैं बुक्स में, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को मोटिवेशन की होती है, तो आपकी फेवरेट मोटिवेशनल बुक कौन सी है जिसको पढ़ के आपको बड़ा मज़ा आता है? मेरी फेवरेट दो हैं, एक तो है यू कैन विन बाय शिव खेरा, हाँ बहुत अच्छी किताब, और द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बढ़िया, बहुत पुरानी, और इनसे बेहतरीन किताब मोटिवेशन पे आई नहीं है। तो शिव खेड़ा जी की किताब तो मैंने पढ़ी, उनसे पर्सनली मिलने का मौका भी मिला था मुझे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, इस बुक में से, क्योंकि वो बुक तो मैंने पढ़ी हुई है, तो दोनों बुक्स का ले लेते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंकिंग बिग, ये जो दोनों बुक्स हैं उसमें से एक एक मैसेज आपको बताना है, या एक एक लाइन या एक एक कोई स्टोरी जो आपको बहुत अच्छी लगी। देखिए, यू कैन विन में मुझे सबसे ज़्यादा अमेजिंग ये लगा था कि वक्त के साथ ना लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन में ना इंसान हताश हो जाता है, फैमिली को लेकर हो, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं कि इंसान ना हताश हो जाता है, थक जाता है, और वो रुकना चाहता है। और जो रुकना ऐसे गलत बात नहीं है, ब्रेक लेना गलत बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस किताब से एक ऐसी इंस्पिरेशन मिली कि अगर आप रुक गए ना तो बहुत पीछे चले जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, आप अपने आप में ये विश्वास रखो कि ये जो भी फेज हमारी लाइफ में जो चल रहा है ये बहुत टेम्परेरी है, और आप इससे निकल सकते हो। और इससे मुझे एक्चुअली ये एक चीज समझ में आई कि लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये दो चीजें अगर आपने कर ली तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे, बहुत आगे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से मुझे सच बताऊं तो ये बहुत बड़ा आई ओपनर था मेरे लिए। जैसे मैंने बताया कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो सोच बड़ी नहीं होती हमारी, सोच बेसिक वाली होती है। इस किताब से मुझे वो सोच मिली कि मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं, मैं बड़ा घर ले सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को मदद कर सकता हूं, मैं अच्छा बोल सकता हूं, मैं लाखों लोगों के सामने बोल सकता हूं। तो ये सारी चीजें जो 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 मुझे एनर्जी मिली ना द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से मिली, बिकॉज उसमें बताया गया कि अगर सोच रहे हैं तो बड़ा क्यों नहीं सोच लेते। ट्रू, सोच ही रहे हो ना, थोड़ा सो क्यों सोच रहे हो, बड़ा सोच के क्यों नहीं देख लेते। और जब जैसे ही वो शिफ्ट आता है ना आपकी सोच में, वही गेम चेंजर है सारा। तो एक्चुअली हम भी देखें तो आज के टाइम में अगर हम किसी को भी जज करते हैं उसको उसकी सोच के बेसिस पर करते हैं कि कैसी सोच रखता है। ट्रू, वो इससे मुझे समझ में आया, और मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन किसी और किताब में नहीं समझाया गया।